हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस कासल। स्टूडेंट माइसेल्फ सूरज, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 8th चैप्टर 2nd में यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था और जो चैप्टर 2nd है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, मीन्स कि वो हमारे दोस्त कहाँ हैं और कहाँ पर हमारे दुश्मन हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम यूज़फुलनेस पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए किन किन वेज़ में यूज़फुल रहते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट है मेकिंग ऑफ फूड आइटम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का हम यूज़ करते हैं अलग अलग तरह के फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने में। तो सबसे फर्स्ट है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। स्टूडेंट, ये एक टाइप का बैक्टीरिया है जो दूध से दही बनाने में हेल्प करता है। बिना इस बैक्टीरिया के हम मिल्क को कन्वर्ट नहीं कर सकते दही में। नेक्स्ट है चीज़ एंड पनीर। जो पनीर है उसके अंदर भी या उसको बनाने में भी हम लैक्टोबैसिलस या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की हेल्प लेते हैं। तो बैक्टीरिया हमारे लिए चीज़ और पनीर बनाने में भी क्या है, यूज़फुल है। नेक्स्ट स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट, जो यीस्ट के सेल्स हैं। स्टूडेंट, यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है। यीस्ट के सेल्स का हम यूज़ करते हैं बेकरी इंडस्ट्री में या बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड को, पेस्ट्री या फिर केक्स बनाने में। नेक्स्ट, यीस्ट का स्टूडेंट इस्तेमाल हमारी डे टू डे लाइफ में भी होता है। जो इडली है, ढोकला है या फिर डोसा है या फिर स्टूडेंट्स जो भटूरे या जलेबियां हैं उन्हें बनाने में भी हम यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कुछ एल्गी जैसे क्लोरेला या फिर कुछ सीवीड। स्टूडेंट, उनका हम यूज़ करते हैं फूड सप्लीमेंट्स के तौर पर। बिकॉज़ स्टूडेंट, कुछ तरह के एल्गी हैं वो प्रोटीन रिच होते हैं, मीन्स कि उनमें प्रोटीन की जो मात्रा है, क्वांटिटी अमाउंट है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। तो हम उनका डाइट्री सप्लीमेंट या फिर फूड सप्लीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, कमर्शियल यूज़, मींस कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कमर्शियल स्केल पे कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट है यीस्ट। यीस्ट का कमर्शली यूज़ होता है अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड को प्रिपेयर करने में। एक प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस से अल्कोहल, वाइन या फिर एसिटिक एसिड को प्रिपेयर करने में हम यीस्ट का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है स्टूडेंट यीस्ट। इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था लुईस पाश्चर ने। स्टूडेंट, कुछ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज़म का हम चाय, कॉफ़ी या टबैको बनाने में भी, तंबाकू बनाने में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, मेडिसिनल यूज़। स्टूडेंट, मेडिसिंस को बनाने में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। सबसे फर्स्ट पे है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। स्टूडेंट, एंटीबायोटिक्स एक तरह की मेडिसिंस है जो बैक्टीरिया या फंगस से प्रिपेयर होती है, जो किल कर देती है, मार देगी या फिर स्टॉप कर देगी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। उन मेडिसन्स को हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो स्टूडेंट, जो पहला एंटीबायोटिक था वो
पेनिसिलिन था, मींस कि पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1929 में। और स्टूडेंट, ये जो एंटीबायोटिक है ये एक फंगस से प्रिपेयर किया गया था जिसका नाम था पेनिसिलिन नोटेटम। कुछ एग्जांपल है एंटीबायोटिक्स के, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन, ओफ्लोक्सिन एट्सेट्रा। स्टूडेंट, एंटीबायोटिक्स बड़े ही इफ़ेक्टिव होते हैं उन डिजीज़ में जो बैक्टीरिया के कारण होती है। बैक्टीरियल डिजीज़ में एंटीबायोटिक्स बड़े ही इफ़ेक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो एंटीबायोटिक्स है इनको इनटेक करने से पहले, इनको यूज़ करने से पहले हमें कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करनी पड़ती है, और वो प्रिकॉशंस चार स्टेप में मैंने लिख दी। फर्स्ट है कि एंटीबायोटिक्स को हमेशा एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना चाहिए। फिजूल में एंटीबायोटिक या एक क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस के बिना एंटीबायोटिक्स कभी भी नहीं लेने चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट्स इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। नेक्स्ट, वी मस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स। स्टूडेंट, हमें एंटीबायोटिक्स का एंटायर कंप्लीट कोर्स पूरा करना चाहिए जो कि डॉक्टर ने दिया है। ये नहीं है कि अगर डॉक्टर ने हमें 5 दिन के एंटीबायोटिक्स दिए हैं और हम केवल 2 दिन एंटीबायोटिक लेके रह जाते हैं तो वो गलत है, हमें वो कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड, वी शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड। हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए जब ज़रूरत ना हो, और ना ही कभी भी एंटीबायोटिक रॉन्ग डोज में लेनी चाहिए। जितनी डोज डॉक्टर ने दी है उसी डोज को हमें फॉलो करना चाहिए, खुद से गलत डोज नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट, कभी भी स्टूडेंट जो एंटीबायोटिक है वो जुखाम या फिर खांसी में नहीं लेनी चाहिए या फ्लू में, क्योंकि एंटीबायोटिक्स कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं होते जो बीमारियां वायरस से होती है। स्टूडेंट, एंटीबायोटिक इफ़ेक्टिव बैक्टीरियल डिजीज़ में ज़्यादा होते हैं, मींस कि जो बीमारियां हमें बैक्टीरिया से होती है उन डिजीज़ में एंटीबायोटिक्स बड़े ही इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, मेडिसिनल यूज़ में ही प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा कि आज का समय है वो COVID-19 से सफ़र कर रहा है, जो आज के जो जनसंख्या है, लोग है या देश है, और सभी के सभी वैक्सीन का वेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम वैक्सीन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है वैक्सीन को प्रोड्यूस करने में भी, क्योंकि वैक्सीन है वो प्रोटेक्ट करेंगे ह्यूमंस को, एनिमल्स को कुछ डिजीज़ से, और उन्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएंगे उस डिजीज़ वाले। तो स्टूडेंट्स, इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी मींस द एबिलिटी ऑफ वंस बॉडी टू रेजिस्ट अ डिजीज़। स्टूडेंट, जब भी एक डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब एक बॉडी में एंटर करता है तो वो बॉडी उसे रेजिस्ट करती है। तो उसी रेजिस्ट किए गए एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। स्टूडेंट्स, जो इम्यूनिटी हम डेवलप करते हैं एक पार्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट, उस टेक्निक को हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। और स्टूडेंट, वैक्सीन है एक स्मॉल डोज, जिसमें एक छोटी डोज जिसमें हम मरे हुए या फिर कमज़ोर माइक्रोब्स को एक हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और वो बॉडी उसके रिस्पॉन्स में उस डेड और वीक माइक्रोब्स के रिस्पॉन्स में एक्शन करती है, उसे हम वैक्सीन बोलते हैं। स्टूडेंट, वैक्सीन वर्क कैसे करती है?
तो जब भी एक हेल्दी बॉडी में वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो वो एक एंटीजन की तरह काम करती है, मींस कि एक फॉरेन इंट्रूडर, एक घुसपैठिए की तरह। तो जैसे ही एक एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी और वो एंटीबॉडीज़ उन माइक्रोब्स को किल करने का काम करेगी जो वैक्सीन के थ्रू आए हैं। अब जब हमने वैक्सीन के थ्रू आए हुए माइक्रोब्स को ख़त्म कर दिया और ख़त्म करने में हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस किया, अब ये एंटीबॉडीज़ उम्र भर तक हमारी बॉडी में ही क्या सुरक्षित रहेंगे। और अगर आने वाली कंडीशन में अगर कोई एक हेल्दी माइक्रोब, डिजीज़ कोजिंग माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो ये एंटीबॉडीज़ पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे उसे किल करने के लिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट, आज के समय में कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, इन सभी बीमारियों से बचा जा सकता है वैक्सीनेशन से। और इस वैक्सीन को या इस वैक्सीनेशन को डिस्कवर करने वाले थे एडवर्ड जेनर, एक ब्रिटिश डॉक्टर। स्टूडेंट्स, जो बैक्टीरिया है उसका इस्तेमाल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स को बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी। स्टूडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का यूज़ सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में भी किया जाता है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है राइजोबियम या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। ये माइक्रोब्स मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, साथ के साथ प्लांट्स के लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स भी करते हैं। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है स्टूडेंट माइक्रोब्स का, वो है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। स्टूडेंट, हमें पता है कि हमारे आसपास दो तरह के वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उस वेस्ट को डीकम्पोज करने का काम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ही करते हैं, तो वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या रखेंगे, क्लीन भी रखेंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने यूज़फुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में डिस्कस किया। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। बाय स्टूडेंट्स।